तो ये कार्यक्रम आप पानीपत के आर्य कॉलेज के ग्राउंड से देख रहे हैं। एक साथ गीता पाठ आप लाइव सुन रहे हैं। आपको पहले गीता पाठ सुनवाते हैं। चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने कहा, चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने मेरी ही भक्ति में मन को लगा, मेरी ही भक्ति में मन को लगा, जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में रमे रहते हैं, निरंतर जो मुझ में रमे रहते हैं, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं, जहां कृष्ण योगेश्वर का है वास, जहां कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, सम्मति सुख शांति नीति सभी, सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्ण। तो आर्य कॉलेज से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। एक साथ गीता पाठ जो है आज पानीपत में हुआ है और कई मंदिरों में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। जहाँ जहाँ जो लोग थे वहाँ पर बैठ के आज उन्होंने गीता के श्लोक पढ़े हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम को जो है किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। गीता का पाठ जो है एक ही साथ जो है सभी संस्थाओं ने, सभी स्कूली बच्चों ने जो है मिलकर किया है। आप देख सकते हैं मैदान से, आर्य कॉलेज के मैदान से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं। अनिल मदान जी से बात करना चाहेंगे। जी काफ़ी अच्छा प्रयास है ये। कितने लोग जो है इसमें आगे आए हैं? वैसे तो पूरे विश्व के लिए आह्वान था। इसकी कोई संख्या तो अभी बाद में पता चलेगी जब रिकॉर्ड होएगी, जब सारे रिकॉर्ड आएंगे। बाकी सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने इसके अंदर पूरा जो है पूरे भाव से इसको गायन किया है सबने जो है। आज जो कार्यक्रम है कहाँ कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? आपकी संस्थाओं ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। कहाँ कहाँ आयोजित किया जा रहा था? वैसे तो पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पर भी महाराज जी गए हैं हर जगह पर आह्वान किया हुआ है इसका, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खास तौर से पुणे हरियाणा के अंदर जहाँ कुरुक्षेत्र की धरा से गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था, तो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे जिलों के अंदर, हर मतलब ब्लॉक तक जो है ये प्रोग्राम सारे किए गए हैं। अब जुड़े रहिए वैष्णो पानीपत के साथ। पल पल के अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। तो फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आज वो भी आयोजित जो है किए जा रहे हैं। दर्शक देख सकते हैं शहर की सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब जुड़े रहिए वैष्णो पानीपत के साथ।